अब देखिए इसका टर्बो नोजल है और इसका प्रेशर देखिएगा दोनों का, और 180-90 जाता है टर्बो नोजल से, और वही अभी वाइट वाला लगाते हैं, ये वाइट वाला लगाए लगभग 150 बार जा रहा है। तो दोनों में यही फर्क है टर्बो नोजल और इसमें, इसलिए हमारा काम जल्दी होता है टर्बो नोजल से। टर्बो नोजल हाई प्रेशर में चलता है ये, जो कि इसमें डब्बे में लिखा है 120 बार, 120 बार ही लिखा है। लेना होगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, संपर्क कीजिएगा। रिपेयर किट के साथ चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे कि आपके पास गन है, फॉर्म बोतल है वगैरह है, इसके साथ तो फॉर्म बोतल वगैरह सारा चीज जाता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप देखें। तो फॉर्म बोतल इसके साथ नहीं जाता है, अगर जो जो चाहिए उसे बताइएगा, सबसे कम रेट में जाएगा हमारे पास से, कोरियर वगैरह के साथ ही, जब भी बताएंगे भाव कोरियर वगैरह के साथ ही। जय हिंद, जय भारत। अभी देखिए वोल्टेज है ना, देखिए कितना बता रहा है, अभी थोड़ा सा वोल्टेज आया है, 200 वोल्टेज है। तो पहले इतना ही बताता था, ये 100 हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 150 तक अभी जा रहा है, जो कि ये बोलता है कि 120 ही वोल्ट, 150, और इसमें टर्बो नोजल लगाएंगे तो और ये बढ़ेगा। अब ये गाड़ी को धोएंगे और देखिए पाइप कैसे जोड़े हैं, 15 मीटर का ये पाइप है, 10 मीटर का वो पाइप है, 25 मीटर पाइप इसमें जोड़े हैं। अब ये गाड़ी को हम धोएंगे और वो भी टचलेस से और टर्बो नोजल से। ना देखिएगा गाड़ी का इधर गंदा दिखाइए, और अभी शैम्पू भी मस्त होगा क्योंकि वोल्टेज है, तो शैम्पू वगैरह सब मस्त करेगा। अब इसे हम टचलेस अप्लाई करेंगे, फिर हम बताते हैं कैसे कैसे वॉशिंग होता है। देखिए गंदा है, ऑटोमेटिक गिर रहा है, ये टचलेस का आप कमाल हो गया, पूरा गाड़ी सूखा गाड़ी में ही अप्लाई करना है, पहले पानी नहीं मारना है। देखिए समूचा गंदा ऑटोमेटिक गिर रहा है, मशीन देखिए अभी वहाँ है, इसमें 25 मीटर का पाइप लगा हुआ है।
खोल के, और ढक्कन खोल के हीटर स्टॉप होगा, ओकरा में फिर रखे के भाई जरा ना रखब ऊपर इस सब में आयल कितना है। देखिए गंदा आराम से कट रहा है ऑटोमेटिक। अब इसमें लगाएंगे लंबी रड, देखिए शैम्पू इतना लगा, इतना सा यानी 200 ml लगा पूरी बोट ट्रैक्टर में। अब इसको हम टर्बो नोजल सप्लाई करेंगे, अब दिखाते हैं आपको टर्बो नोजल का कमाल और टचलेस का। वोल्टेज रहेगा ना तो आपको हाथ लगाने का तो टचलेस में जरूरत ही नहीं पड़ता है, इतना फोर्स के साथ मारा देखिए एकदम टकाटक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक जरा सा भी ना मोबिल है ना कुछ है,
देख सकते हैं इसका टायर में भी कोई गंदा नहीं रहा। अब चलते हैं पाइप को उस तरफ करते हैं। मोटर पंप का पानी पी जा आवाज करता रे गर्दन ना ऊपर मारे थे मोटर गार्ड का सुबह मार दिया। बंदा देखिए मैं बताता हूँ ये पाइप टेढ़ा क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीधा रहेगा तो हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जब हमें नीचे मारना होगा तो ऐसे उठाना होगा, कितना हम उठाएंगे, और टेढ़ा रहेगा तो हर जगह लग जाता है। मशीन का आवाज देखिए कितना घनघना है। टायर का खूबसूरती, और ऐसे भी कहीं भी घसीएगा तो कहीं कचरा उचरा निकलेगा नहीं। देखिए यहाँ देखिए इंजन में जैसे मोबिल वगैरह जो लगा हुआ है, और एक जगह वीडियो में देखिएगा आप, एक चैनल पे अब्दुल कुरत सर्च कीजिएगा, उसमें भी देखिएगा मेरा टचलेस का काम हुआ है।
ये सब जो है देखिए बाहर से पेंट लगा हुआ है ये सब भी चला जाएगा, जो बाहरी पेंट है वो उखड़ जाएगा। अब गाड़ी हो गया कंप्लीट, अब इसको अब हम ये लगाएंगे व्हाइट वाला, क्योंकि ये कचड़े को इधर से उधर लेके चला जाता है। कम समय में आपका गाड़ी क्लियर हो गया, चारों तरफ दिखा दो व्यू इसका, देखिए टायर तक में गंदा नहीं रहा, समूचा जो है क्लियर हो गया कम समय में। इससे क्या हुआ कि हमारे तो कितना दूर देखिए साफ करता है ये, देखिए पानी का फ्लो है इसमें और साथ में प्रेशर भी है। तो वीडियो को और अब दिखाते हैं वहाँ पे ले जा करके टर्बो नोजल कैसे काम करता है और टर्बो नोजल से आपको क्या फ़ायदा होगा, इसमें दिखाते हैं प्रेशर पेड़ में मार के, तब आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे मारते हैं और यहीं पे हम मारते हैं टर्बो नोजल से, दोनों में फर्क अभी दिखाई देगा टर्बो नोजल इसमें क्या अंतर है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों नोजल में फर्क क्या है, इतना ही काफ़ी है समझाने के लिए कि ये जो है इससे कितना गुना ज़्यादा ये प्रेशर बना देता है ये नोजल।